और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा, जिसे लेकर दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने की संभावना है। वहीं आज चुनाव आयोग यूपी के उपचुनाव, साथ ही वायनाड में भी उपचुनावों को लेकर तारीखों की घोषणा कर सकता है। दूसरी ब्रेकिंग, हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में कनाडा सरकार के बयान पर भारत के कड़े रुख के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर, कहा हम भारत के साथ लड़ाई नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया है। 19 अक्टूबर तक कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा। साथ ही भारत ने कनाडा से हाई कमिश्नर और कुछ राजनयिक वापस बुलाए जाने का भी फैसला लिया है। तीसरी ब्रेकिंग, बहराइच से जहां भड़की हिंसा के बाद अब इलाके में माहौल शांतिपूर्ण है। पुलिस ने 30 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में लिए हैं, बाकी उपद्रवियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। हिंसा भड़काने का मुख्य आरोपी सलमान फरार है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 10 के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए 4 उपद्रवियों को नामजद किया है। वहीं हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों से CM योगी आज लखनऊ में मुलाकात करेंगे। चौथी ब्रेकिंग, दिल्ली में आज गृह मंत्रालय की निगरानी में मणिपुर हिंसा को लेकर अहम बैठक होगी। 3 मई 2023 में भड़की हिंसा के बाद पहली बार मैतई कुकी और नागा नेता बातचीत करेंगे। बैठक में शामिल होने वाले नागा विधायकों और मंत्रियों में नियुमई एलदिखो और राम मुड़िवा शामिल होंगे। पांचवी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 12 विधायकों में से 7 सीट के लिए महायुति सरकार ने नाम भेजे हैं, जिनमें बीजेपी के 3, शिंदे के 2 और अजीत पवार के 2 नाम शामिल है। आज दोपहर 12 बजे उपसभापति नीलम गोरहे के चैंबर में शपथ विधि होगी। 5 सीटों को खाली रखा गया है और इन सबके बीच आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। छठी ब्रेकिंग, पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 4 बजे तक सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान होगा। पंचायत चुनाव में 1,33,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस बार किसी भी उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। सभी को राज्य चुनाव आयोग ने आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। सातवीं ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अखिल भारतीय विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये संबोधन सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। आठवीं ब्रेकिंग, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज से SCO बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। 23वें शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूस, चीन सहित कई देश शिरकत कर रहे हैं। बैठक में सदस्य देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा होगी। नौवीं ब्रेकिंग, वक्फ बिल पर JPC की बैठक का आज दूसरा दिन है। बिल पर चर्चा के लिए JPC ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है। आपको बता दें कि बैठक के पहले दिन विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया था। विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि समिति नियम कानून के अनुसार काम नहीं कर रही। दसवीं ब्रेकिंग, कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में अनशन पर बैठे डॉक्टर्स के समर्थन में अब IMA ने अनशन का ऐलान कर दिया है। IMA ने रविवार को एक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि पूरे देश में IMA जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क मंगलवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनशन करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के कल्याणी GNM हॉस्पिटल के 77 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है।